गाइस सोशल मीडिया पर एक से बढ़कर एक वीडियो या फोटो वायरल होती रहती है। अभी हाल ही में सोशल मीडिया पर एक तस्वीर बहुत ही तेजी से वायरल हो रही है, जहां एक दादी माँ सुपर बाइक पर कूल बनके बाइक चला रही है। इस तस्वीर पर सोशल मीडिया यूजर्स बहुत ही ज्यादा कमेंट और प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। फोटो में दादी बाइक को आसानी से कंट्रोल कर रही है और बाइक पर चढ़कर रोड पर घुमा रही है। लोगों को ये तस्वीर बहुत ही ज्यादा पसंद भी आ रही है। इस तस्वीर को नवनीत सेकेरा ने अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर किया है। तब एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, हेलमेट तो लगाया ही नहीं दादी ने, साहब चालान तो बनता है, बाइक इंपोर्टेड भी है। वहीं एक अन्य यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा है, वाकई में दिल छू लेने वाली तस्वीर है, दादी माँ इस उम्र में भी बाइक चला रही है। दोस्तों आप क्या कहना चाहोगे सुपर दादी को देखकर, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। हम देश के लिए अच्छा करते रहेंगे, रोक सको तो रोक लो। गाइस ये कहावत जेनेरिक आधार के फाउंडर अर्जुन देशपांडे के लिए बिल्कुल सटीक बैठती है। अर्जुन देशपांडे ने देश में फार्मेसी की फील्ड में जो रेवोल्यूशन स्टार्ट किया है वो काबिले तारीफ है। उनके इस अच्छे काम के लिए उन्हें रतन टाटा जी का भी साथ मिला। लेकिन गाइस हाल ही में कुछ असामाजिक तत्वों ने उनके इस अच्छे काम को रोकने की कोशिश की और उन पर जानलेवा हमला किया। दरअसल अर्जुन अपनी जेनेरिक आधार की एक ब्रांच इनॉग्रेट करने के लिए आगरा से दिल्ली जा रहे थे। तभी वहां कुछ लोगों ने उनकी गाड़ी पर पत्थर और लोहे की रोड से हमला कर दिया, जिसमें उनके साथी बुरी तरीके से घायल हो गए। लेकिन जैसे तैसे वो अपनी गाड़ी को आगे टोल नाके पर लेकर पहुंच गए, जहां पुलिस और प्रशासन ने उनकी मदद की। गाइस जो भी हुआ वो गलत हुआ, क्योंकि जब कोई व्यक्ति देश और समाज के लिए अच्छा काम करने की सोचता है तो अक्सर उसे रोका जाता है। पर हम तो अर्जुन जी के लिए सिर्फ यही दुआ करेंगे कि वो हमेशा स्वस्थ रहें और आगे बढ़ते रहें। अर्जुन जी आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। जय हिंद।